राजधानी भोपाल में विधानसभा एवं पंचायत चुनाव से पहले पंचायत संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठनों का आरोप है कि सरकार ने वादा खिलाफी की है। भाजपा सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में जो कटौती की थी उसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है। वहीं जिला और जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों की विवेकाधीन राशि भी रोक ली गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम ठप पड़ गए हैं। इसको लेकर पंचायत प्रतिनिधियों में नाराजगी है। भोपाल के अंबेडकर पार्क में प्रदेश भर से जुटे जिला और जनपद पंचायत सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस घेराव करने का प्रयास किया। पुलिस ने सभी को अंबेडकर मैदान पर बैरिकेडिंग कर रोक लिया। वहीं पुलिस और जिला पंचायत सदस्यों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। इससे पहले धरने पर बैठे जिला पंचायत सदस्यों ने विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ उतरने का ऐलान किया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सर, त्रिस्तरीय पंचायत के धरने पर आप आए थे जी, क्या इनकी डिमांड है और जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा? देखिए, हम तो अपने वचन पत्र में उस बात को ले रहे थे। प्रमुख मांग हमारे इन साथियों की त्रिस्तरीय पंचायती राज सर्वदलीय संगठन की मांग ये है कि सन 1992 में जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस समय जो पंचायती राज को अधिकार दिए गए थे वही की वही पुनः लागू किया जाए। हमने अपने वचन पत्र में प्रमुखता से मांग को रखा है। निश्चित रूप से मैं यहाँ आया हूँ मतलब उनकी मांग मंजूर करने के हिसाब से कि सरकार बनेगी और 1992 के अधिकार वो सारे के सारे आपको दिए जाएंगे। मेन मांगी हुई है।